हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 5 बजे से, और पीछे से आप लोग देख सकते हो हमारा खूबसूरत सा नारी गांव जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आपका गांव कहाँ है कहाँ है, तो हमारा गांव रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और काफ़ी लोग मुझे समझते हैं कि मैं कुमाऊँ साइड से हूँ, लेकिन मैं गढ़वाल साइड से हूँ। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है और गाँव का नाम है नारी। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की गुड़ाई करने के लिए। तो मम्मी चाची लोग सब वहीं पे जा रखे थे, पहले सिंगर चाची के खेत में चले गए थे। मम्मी लोग तो लगभग 3-3:30 बजे चले गए थे, तो मैं आराम से अब जा रही हूँ और मम्मी लोग वहाँ ऊपर पे हमारे खेत में हैं। सिंगर चाची का खेत उन्होंने कर लिया होगा अभी तक, तो अभी हमारे खेत में चले गए हैं। तो चलते हैं, मम्मी चाची लोगों से सबसे मिलाते हैं आपको। दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं अपने खेत में, यहाँ के लिए धार बोलते हैं। तो मम्मी चाची लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, मैंने कहा इनको भूख लगी हुई, तो कुरकुरे लेके आ रखी थी मैं। ये देखो हमारी किसान। हेलो हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों? तो हम गुड़ाई कर रहे हैं, मैं तो बहुत जल्दी आ गई थी, एक घास की कंडी भी निकाली, अब यहाँ पे गुड़ाई कर रही हूँ। ये दिरानी भी आ रखी है साथ में दोस्तों। इससे पहले सिंगर चाची खेत में थे? नहीं, वहाँ नहीं गई। इसने बोला दीदी आपका आपकी गुड़ाई करते हैं, मैंने बोला चलो आज। अच्छा, मैं वहाँ नहीं गई चाची के वहाँ पे। फिर रविवार दे दिया था। और यहाँ पे हमारी सिंगर चाची भी लगी हुई है धुंडसा फुर्सी पे। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक हो दोस्तों? तो हमारे यहाँ गुड़ाई करनी थी मेरी। इतना गर्म दोस्तों, मैंने कहा वहाँ नहीं जाना, वहाँ धूप है ज्यादा, तो मेरा दुश्मन है दोस्तों, क्या कहूँ। तो यहाँ पे देखो इतना इन्होंने निकाल दिया, और यहाँ पे हमारी चाय वाली चाची भी लगी हुई है। हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम, सबको नमस्ते। दोस्तों, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है। चाची की आवाज स्लो हो गई आजकल थकान से। नहीं, गर्मी से। अच्छा, तो यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं। ये देखो पहाड़ की महिलाएं किसी भी चीज में पीछे नहीं है, लेंटर डालने में भी आगे, काम करने में भी आगे। दोस्तों, करना पड़ता है, जब हमने घर में रहना है, गढ़वाल में रहना है, तो हमें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। अब शहरों में रहते तो हम पर्स रख के सब्जी के लिए शाम को थैला ले, चल दीदी बुझी थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारा भी पर्स सब वही है। हमारा नहीं, किसी ने बोला था कि लेंटर डालते टाइम चाची ने वो पर्स रखा था, बोले क्या है बोल उसमें इतना खास, दिखाओ तो उस पर्स में वो फोन वाला, ये वाला। हाँ, क्या है बोल उसमें इतना खास वाला, बताओ चाची क्या बोल रहे थे आप? मैंने कहा दोस्तों, मैं ये बोल रही थी, मैं ऐसा नहीं सोचती कोई बाहर है वो अच्छे से होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, कुछ चीज ला रहा होगा अपने जेवरात गए, कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब रहते भी थे ना, वहाँ खाली मैं दीदी को देखकर बोलती थी, ये लड़की हमेशा वहाँ से आती है, दिल्ली से आती थी दोस्तों, तो पहले हमारी इतनी दोस्ती नहीं थी, तो ये मेरे को बोल के देख के बोलती थी, अरे ये बेचारे कितनी खुश नसीब है बेचारी, गोरी भी हो रखी है, उजली भी हो रही रखी थी, क्या पता था साथ मॉल निकालेंगे गुड़ाई करेंगे। साथ में नहीं जाना, हमने दोनों इकट्ठा जाने घास खाने। पर्स के बारे में बताओ। ये पर्स दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, ये मेरा सेफ्टी के लिए अपना फोन रखा हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है दोस्तों। ये बात तो सही बोली, ये बोल रही उल्टे में दिखाओ, उल्टे में दोस्तों इतना कटम चूर हो रखा है, बहुत ही बेकार स्थिति हो रखी है। मम्मी को नया फोन पसंद नहीं है बोल दिया था हमने लाने के लिए। मोनिका ने मेरे को बोला, दिया भी था मेरे को फोन, मैंने बोला नहीं बेटा, अच्छा सुनो नहीं बदलूंगा, बिदर जाने भी बोला वो भी मोन दिन दो एक भी। और एक बात और, किसी ने कमेंट किया था बहुत दिनों से, बोल तुम यहाँ देवो नहीं बोल रहे, तो दो लाइन थोड़ा हो जाए, गुड़ाई पे हो जाए, यहाँ देवो। आजकल हम गोड़े कना दगड़ियो देवो, अरे गर्म न पराणे चली न दगड़ियो कनके गोड़ो मेनो इरा देवो, अरे पराण जला तो कुछ भी जला मेरी दीदी, पहले गोड़ने पड़लू इरा देवो। ये नी माँ हमारी जिंदगी जानो बयो, क्या कना हम उनो या गोड़े कनो घास कटनो इरा देवो। ये नी माँ खुश रहना दुख नी वो मेरी बेणी देवो। अब फिर कमेंट न करया कि यरा देवो नी बोली यरा देवो। अब निपटे ले बना ना ऊपर। तो दोस्तों एक बात मैं और करना चाहती हूँ, किसी ने कमेंट में कहा था कि सिंगर चाची की लड़की वाले ट्रेनिंग में नहीं गई, तो ट्रेनिंग में चली गई है वो हरिद्वार में। हाँ चली गई। अब फिर आपको जब उसका वो हो जाएगा, क्या बोलो उसको, ट्रेनिंग पूरी होगी, उसके बाद फिर हम वीडियो बनाएंगे।
तो काफी लोग सोच रहे हैं ना, कालिया भाई को समझ रहे हैं कि कालिया भाई का सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने वीडियो में देखा ना अमीषा को, तो इसलिए वो लोग पूछ रहे हैं कि वो ट्रेनिंग में नहीं गई थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन है मनीषा, तो उसका सिलेक्शन हो गया था, तो वो अभी चले गई है हरिद्वार। तो ये देखो इनके लिए कुरकुरे ला रखे हैं, पहले कुरकुरे खाओ यार, सब करो काम। कुरकुरा किले खाणो तुमने तो बड़ा बड़ा थोला अलग चिप्स खाणो तो सबसे पहले तो ये बताओ इस खेत में क्या क्या बो रखा है? इस खेत में दोस्तों भट्ट है, क्या बोलते हैं, गहत है, लोबिया है, तोर है, जो भी है सब बंदरों के लिए है। इधर ऊपर साइड ना धार साइड यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर आते हैं, तो इसलिए ना यहाँ पे ज्यादा खेती नहीं हो पाती है। जो हमारा उधर वाला खेत है ना क्वीनों की सारी, जिसको मैं बोलती हूँ, जहाँ पे मैच चल रहे थे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ वाले खेत में हमारी खूब खेती होती है, लेकिन इधर साइड तो पूरे बंदर खा देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे, एक ऊपर भी हमारा खेत है तो बंदर कुछ भी नहीं रखते यहाँ पे, यहाँ की मेहनत बिल्कुल बेकार ही रहती है, तो थोड़ा सा करते हैं उसके बाद इनको कुरकुरे खिलाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ये पूरे खेत में गुड़ाई कर दी है और अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। देखो कुरकुरे खा रहे हैं सबके सब, कहीं अलग तब थोक थकान तो लगी है दोस्तों, क्या करना, आदत पड़ी, आदत भी पड़ गई ना हमको, और थकान भी क्या करना, अब थकान भी अब हो गया। सही में यार, इसने कमेंट नहीं किया था कि मम्मी बोल रही थी बोला आज की काम जाए बाढ़ में, चार दिन पहले ऐसे बोल रहे थे क्या करना, कभी कभी कपड़े में सड़ गया जाती है। सही में यार, मम्मी चाची लोगों को पता नहीं कहाँ से आती इतनी ताकत, सुबह हम सोए रहते उस टाइम चले जाती है मम्मी, फिर दिन में भी जब खाना खाने के बाद हम सोए रहते ना उस टाइम भी पहले ही चले जाती है मम्मी, पता नहीं कहाँ से आती इतनी ताकत। तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अमीषा फिर से आ गई हमारे घर पे। हेलो अमीषा। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। केदारनाथ की थकान मिट गई? हाँ मिट गई। पहले ये बताओ आपको, फिर हमने आने के लिए बोला था, आप लोटा लेके क्यों आए? मेरे को पता था ना दूध मिलेगा इसीलिए लोटा लेके। कोई बात नहीं, अगले महीने से अब इनकी भैंस भी आ जाएगी है ना, फिर ये हमको देंगे दूध। हाँ नहीं नहीं, मेरे को तब तक नहीं चाहिए, जब तक मेरी भैंस देगी तब तक मुझे दूध नहीं चाहिए। हाँ। जब मेरी भैंस दूध बंद करेगी उसके बाद आप मुझे दूध देना। बिल्कुल जरूर देना, पहले पहले शुरू शुरू में लेना। लोग भी पूछ रहे थे केदारनाथ में दूध दे रहे हो टाइम टाइम पे, दोस्तों चार दिन बाद क्या करे दोस्तों, अब भैंस मेरी बकड़िया हो गई ब्याने के लिए आगे को, पता नहीं है कि नहीं तो अमीषा को यहाँ पे दूध देते हैं। चलो तब ठीक है, हिसाब लगाते रहना है कितने लोटे हुए। तो अमीषा को छोड़ने जा रहे थोड़ा आगे गदेरा तक, क्योंकि यहाँ पे बाघ भूख का डर रहता है इसलिए। चलो चलो चलो, डर ना, ना ना दूध ना खातू था। तो दोस्तों अभी पीछे मेरी सब्जी बन रही है यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, और पर्सनली मैसेज करके भी मुझे पूछ रहे थे कि आप अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं लेके गए केदारनाथ, बस खुद ही घूमते रहते हो और अपनी भैंस का भरोसा कर देते एक दिन के लिए सिंगर चाची के पास, बहुत सारी बातें बोल रहे थे। तो इन सब बातों का आंसर ना आपको मम्मी और पापा ही देंगे कि मम्मी पापा क्यों नहीं आए मेरे साथ केदारनाथ। तो मम्मी और पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले पापा से मिलाते हैं। हेलो, हेलो, ठीक ठाक, बढ़िया। क्यों नहीं आए आप हमारे साथ केदारनाथ, पहले जवाब दीजिए जनता को। केदारनाथ तो जब इच्छा होगी भगवान की तभी जाएंगे। हाँ, मन नहीं था, पहले मन तो था लेकिन बाद में दिक्कत होगी। हाँ, तो यही होता है जब बुलावा आता है तभी जा पाते हैं। हमारे मन का कहीं भी घूमने जाएगी सबसे पहले वो मम्मी पापा का ख्याल रखती है कि मम्मी आप भी चलो पापा आप भी चलो, सबसे पहले वो हमको पूछती है। वो तो हमारी मजबूरी है, हम नहीं जा सकते। मजबूरी क्या है भाई, मेरा तो घर का काम काम क्या हो ना, मेन काम तो मेरा भैंस है भाई, जो किसी के पास दूध भी नहीं देती। तब आजकल तो फिर गर्मी में आपको पता ही है घास, हरा घास कहाँ है, कोई अपनी भैंस के लिए लाएगा तो मेरी भैंस के लिए कितना लाएगा वो एक आदमी। फिर दूध भी नहीं देती ना, फिर दूध भी वो किसी के पास नहीं देती। फिर जब वो भैंस बोलते हैं, जब वो ब्याने के लिए होती है आगे के लिए, जो दूध देती है वो किसी के पास देती भी नहीं है। हाँ, अगर उसको हम छोड़ देंगे तो फिर वो दूध देना भी बंद कर देगी, तो मेरा फायदा क्या होता है, एक दिन की बात तो मैं चली भी जाती। दो तीन चार दिन लगे ना आप लोगों के, तो तीन चार दिन बाद आती मैं तो फिर मेरा तो काम ही खराब हो जाता ना। तो बस यही मजबूरी है, मत बोलना कि मोनिका अपने मम्मी पापा को कहीं नहीं ले जाओ, हर समय मुझे बोलती है मम्मी चलो चलो, बस यही रीजन है। तो पापा को हमने कितनी बार बोला, तो पापा क्या है उनको जाने की इच्छा नहीं थी। नहीं तो, मम्मी नहीं, मैं बताती हूँ पापा क्यों नहीं गए। पापा ने मेरे को बोला तू चलेगी तब चलो। मेरे को पता था मम्मी गई अपनी भैंस की वजह से नहीं गई, मम्मी और पापा गए, पापा मेरी वजह से नहीं गए। मेरे को बोल रहे थे कि चलो चलो क्या देख रहे मेरे मुँह, बोले बोल रहे थे। हाँ
दोनों कट्टे जाएंगे तो वो थोड़ा नाराज हो गए थे, तू नहीं आ रही। तो यार मैंने कहा मेरी मजबूरी भी तो देखो, एक दिन की बात होगी तो चलो, एक रात की होती तो मैं चले भी जाती। मम्मी नहीं, मम्मी अपनी कमली की वजह से नहीं गई और पापा भी अपनी कमली की वजह से नहीं गए, दोनों को अपनी कमली का ख्याल है, इनको भी अपनी कमली का ख्याल, मुझे भी अपनी कमली का ख्याल। तो बस यही रीजन है दोस्तों, और कुछ नहीं है। दोनों यहाँ पे कमेंट भी किया था, बहुत अच्छा लगा वो कमेंट मुझे कि आपकी मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी के वर्ड बोलती है। और किसने सिखाया आपको अंग्रेजी के वर्ड, पहले बताओ। मोनिका ने भी सिखाया, खुद भी सीख गई मैं। होता है यार जब फेसबुक चलाते हैं कुछ भी कहीं से भी बहुत नॉलेज आता है, फोन चलाओ तो नॉलेज बहुत कुछ मिलता है फोन से भी। तो बस यही बात है दोस्तों, और पढ़ी लिखी मैं कुछ नहीं, 6-7 तक गई स्कूल, उसके बाद स्कूल नहीं गई। कितना खुश हो रही है, स्कूल ही नहीं गई, खुश हो रही हूँ, घास काटने में बिजी हूँ। तो मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं हॉट सीट पे, और शीतल और मेरी ड्यूटी लगी हुई है खाना बनाने की, तो वहाँ पे सब्जी बन रही है। शीतल और अनमोल ऊपर से बैठे हुए हैं। हेलो हेलो, मास्क करके अनमोल वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो खाना बनाते हैं दोनों बॉस के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारा रात का खाना बन के तैयार हो गया है और सब लोग खाने लग गए हैं खाना, तो मम्मी भी यहाँ पे खा रही है। और आज के खाने में क्या क्या है मम्मी? आज के खाने में है दाल है, सब्जी है, दूध है, रोटी है। हाँ तो साथ साथ में ब्लॉग को एंड कर दें। हाँ कर देते हैं, ठीक है तब करो एकदम से। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।